हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं। जय माता, विजय का आशीर्वाद दो। प्रभु, प्रभु एक महत्वपूर्ण समाचार है। क्या समाचार है? प्रभु, मेरे गुप्तचर समाचार लाए हैं कि इंद्रजीत आधी रात से देवी निकुम्बला के मंदिर में एक तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। तो क्या हुआ? वो यज्ञ उसे मेरे हाथों से बचा लेगा? आप नहीं जानते लक्ष्मण भैया, यदि ये यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसकी ज्वाला से एक दिव्य रथ प्रकट होगा, और जब तक इंद्रजीत उस रथ पर बैठा रहेगा तब तक इंद्रादि सभी देवता मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते। ये स्वयं ब्रह्मा जी का उसे वरदान है। ब्रह्मा जी का वरदान? हाँ, एक बार इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया था और अपने साथ ले जा रहे थे, तब इंद्रजीत ने अपने अंतर्धान होने की मायावी विद्या का प्रयोग करके अदृश्य रूप में इंद्र के रथ पर जाकर न केवल अपने पिता के बंधन खोल दिए अपितु इंद्र को बंदी बनाकर अपने साथ लंका ले आया। तब स्वर्ग में सारी व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण स्वयं ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से अलंकृत कर दिया। हे वीर मेघनाथ, हम तुम्हारे प्रचंड पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। आज से तुम तीनों लोकों में इंद्रजीत के नाम से विख्यात होगे, जिससे इंद्र की ख्याति सर्वदा के लिए कलंकित रहेगी। अब हम तुमसे स्वर्गलोक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र को मांगते हैं। पितामह, आप स्वयं मांगने आए हैं तो इंद्र को लौटा दूंगा, परंतु उसके उपलक्ष में मुझे क्या देंगे? इस उपलक्ष में तुम जो भी वरदान मांगोगे हम तुम्हें देंगे। तो हे पितामह, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दीजिए, मेरी मृत्यु कभी ना हो। यह असंभव है इंद्रजीत, क्योंकि ये प्रकृति के विधान के प्रतिकूल है। अरे मानव तो क्या, देवता भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, हम तुम्हें इतना वर देते हैं कि जब भी तुम
अपनी कुल देवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ करोगे तो उसकी होम अग्नि में से एक दिव्य रथ प्रकट होगा जिसके घोड़े मन की गति से चलेंगे और तुम्हें ब्रह्मश्री नामक अस्त्र भी प्राप्त होगा। तुम जब भी उस रथ पर आरूढ़ रहोगे कोई न तुम्हें परास्त कर सकेगा न मार सकेगा। हमारा यह वरदान स्वीकार कर लो वत्स। मुझे स्वीकार। हे इंद्रजीत, निकुंभिला के स्थान पर पहुंचने और वहां हवन संबंधी कार्य पूर्ण करने से पहले जो शत्रु तुम्हें मारने के लिए आक्रमण करेगा उसी के हाथ से तुम्हारा वध होगा, यह भी याद रखना। यदि कोई देवी के गुप्त स्थान पर पहुंचेगा तो ही आक्रमण करेगा ना प्रभु। इसी प्रकार उसकी मृत्यु का विधान किया गया है। यही अवसर है कि लक्ष्मण भैया अपने मुख्य योद्धाओं और सेना सहित उन पहाड़ों में स्थित निकुंभिला के मंदिर पर इसी समय आक्रमण करें। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, आज मैं उस राक्षस कुमार की जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। अवश्य, परंतु युद्ध बुद्धिमानी के साथ करना। उस महाभयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूं, वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है, बुद्धिमान और बड़ा मायावी होने के साथ साथ परम वीर भी है। इंद्रजीत जब रथ में बैठकर आकाश में विचरने लगता है तो बादलों में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी गति का कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए हे सौमित्र, तुम वानरराज सुग्रीव, हनुमान और जामवंत आदि सारे युद्धपतियों के साथ जाओ। निकुंभिला का मंदिर जानने के लिए किसी गुप्तचर को भी ले जाओ। प्रभु, वहां पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा और टेढ़ा मेढ़ा है, परंतु मैं वो मार्ग जानता हूं जो छोटा और गुप्त है। मैं लक्ष्मण को उस मार्ग से सेना सहित शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। परंतु हमें आपको साथ भेजने में संकोच है। क्यों प्रभु, मुझ पर विश्वास नहीं? हमारे संकोच को अन्यथा न समझे महाराज विभीषण, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। परंतु हम यह भी जानते हैं कि इस परिस्थिति में संकट है और हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डालना चाहते। आप ठीक कह रहे हैं भैया, वहां बहुत संकट है, परंतु आप निश्चिंत रहें, आपके लक्ष्मण के रहते महाराज विभीषण का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कंधर राज कुबेर ने स्वयं प्रकट होकर मुझे बताया है कि युद्ध में मेघनाथ महाराज विभीषण पर यम अस्त्र का प्रहार करेगा। यह अस्त्र उसने इन्हीं के लिए संभाल कर रखा है। कुबेर ने मुझे उसके तोड़ की विधि और उस अस्त्र को संहार करने वाले दूसरे अस्त्र का भी ज्ञान दिया है। भैया आप निश्चिंत होकर हमें जाने की आज्ञा दें। हम इन्हें तुम्हारे भरोसे पर भेज रहे हैं लक्ष्मण, याद रखना हमने इन्हें लंका नरेश बनाने का वचन दिया है। उस वचन को सत्य करने के हेतु इनकी सुरक्षा के लिए हम अपने प्राणों का भी मोह नहीं करेंगे। भैया मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, यदि आज मैंने मेघनाथ का वध नहीं किया तो मैं अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। जोते ही आज बधे बिनु आवा तो रघुपति सेवक न कहावा, जो सत संकर करही सहाय तदपि हता रघुवीर दोहाय। जाओ वीर, विजयी हो।
मैं ग्रीम ग्रीम चामुंडाए चल होम 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 ग्रीम जूम कर ज्वाले हे ज्वाले चल चल प्रज्वल प्रज्वल हे ग्रीम ग्रीम चामुंडाए मिल चल चल होम होम जम जम फट ओम ह्रीम क्लीम निकुम्बलाय देव्याय नमः। सुमित्रा नंदन वो देखिए उस गुफा में हमारी निकुम्बला देवी का मंदिर है। उसी के द्वार पर मेघनाथ के वीर सैनिक पहरा दे रहे हैं। वो अंदर बैठा है, उसका रथ बाहर खड़ा है, वो होम कर रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ह्रां ह्रूं क्लीं जूं सः ज्वले हे ज्वले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं चं फट् स्वाहा। अपने सैनिकों से कहो कि इन प्रहरियों पर टूट पड़े और शत्रु सेना का मोर्चा तोड़कर अंदर जाने का मार्ग बना लें। महाराज सुग्रीव वो मार्ग खुलते ही आप अपने प्रमुख योद्धाओं के साथ अंदर चले जाएं और जिस प्रकार हो सके उसके यज्ञ का विध्वंस करके उसे अपनी तांत्रिक पूजा अधूरी छोड़ने पर विवश कर दें। फिर मेघनाथ बाहर आएगा और लक्ष्मण उसे युद्ध के लिए ललकारेंगे। शीघ्रता कीजिए महाराज सुग्रीव। जो आ गया हर हर महादेव। राक्षस बानर भीतर हो रहे मंत्रोच्चार भीतर हो रहे मंत्रोच्चार लांघ के सिंधु जो आ गए लंका ना उनको दुर्लभ कोई द्वार ना उनको दुर्लभ कोई द्वार हाथन से हथियारन से कई कारण से रहे यज्ञ बिगार यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार यज्ञ हुआ यह पूर्ण तो जानो अजय हुआ लंकेश कुमार। यज्ञ की अग्नि बुझाए बुझाए के पावन यज्ञ अशुद्ध करें पावन यज्ञ अशुद्ध करें यज्ञ को हेतु मिटावन हेतु निरंतर सैनिक युद्ध करें निरंतर सैनिक युद्ध करें साधक का आराधक का पथ साधक का आराधक का पथ बाधक बन अवरुद्ध करें आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें आसन से नहीं डोले रथिंद्र उसे कितना ही क्रुद्ध करें। क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं चं फट् स्वाहा। कपिल सहित इंद्रजीत रथ
मेघनाथ की ललकार से लगता है कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जी उसके यज्ञ का ध्वंस करने में सफल हो गए हैं। अब मेघनाथ बाहर आएगा और अपने रथ पर बैठकर उस वटवृक्ष की ओर जाएगा। वटवृक्ष की ओर? हाँ, आप मेरे साथ आइए, हमें उसके पहले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। लक्ष्मण भैया, मेघनाथ युद्ध में जाने से पहले एक बार यहां अवश्य आएगा। क्यों? वो यहां आकर भूतों की बलि देता है, उसके बाद ही युद्ध के लिए प्रवृत्त होता है। इसी तांत्रिक कर्म के प्रभाव से वो संग्राम भूमि में अपने शत्रुओं पर विजय पाकर उन्हें बंदी बना लेता है। आज उसे यह कर्म भी पूरा ना करने दीजिए। उसके आते ही उसे युद्ध में ललकार कर आप अपने तेजस्वी बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस का संहार कीजिए। वो आता ही होगा। लक्ष्मण भैया, अपने बाणों का संधान करके सावधान रहिए। राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं, अपने अस्त्र उठाकर सावधान हो जाओ। अवश्य लक्ष्मण। तुम दो दिन से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु आज तुम यहां से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही कुलद्रोही काका को प्रणाम कर लेने दो। विभीषण काका देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे, परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। आज तुमने वो पद भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं, फिर भी मेरे गुप्त और मार्मिक स्थानों पर जहां लंका के साधारण वासी भी नहीं पहुंच सकते, आज तुम वहां शत्रु को ले आए हो। मुझसे ऐसा द्रोह करके आज तुम संतान द्रोही कहलाने के अधिकारी भी हो गए हो। अरे हे राक्षस राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह, और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। मेघनाथ, तुमने स्वयं कभी बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखा और दूसरों को मर्यादा का पाठ सिखाने जा रहे हो। मूर्ख, मैंने जो किया है अपने देश की जनता की भलाई के लिए किया है। तुम और तुम्हारे पिता सबको अधर्म की नाव पर बिठाकर मझधार में डुबोने जा रहे हो, परंतु मैं अपने देशवासियों को धर्म के मार्ग पर लाकर तुम्हारे पापों से उनकी रक्षा करना चाहता हूं। अधर्मी, अन्यायी, क्रूर और अत्याचारी राजा का परित्याग करना देशद्रोह नहीं कहलाता। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया हो, जिसने पाप करने का दृढ़ निश्चय कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने से मनुष्य उसी प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर बैठे हुए विषैले सांप को त्याग देने से प्राणी निर्भय हो जाता है। जो दूसरों का धन लूटता है, जो पराई स्त्री पर हाथ डालता है, उस दुरात्मा को जलते हुए मकान की भांति त्याग देने योग्य बताया गया है। परस्वहरणे युक्तम परदाराभिमर्शकम त्याज्य महादुरात्मानम वैशम प्रज्वलतम यथा। तुम्हारे पिता के इन्हीं पापों के कारण अब ना ये लंकापुरी रहेगी, न तू रहेगा, न तेरा पिता रहेगा। इससे पहले तुम नहीं रहोगे। तुम लंका का कलंक हो,
लंका की पवित्र धरती पर जीने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड देंगे। लक्ष्मण, तुम्हारे रक्षा करने से ये कब तक जीवित रहेगा और फिर तुम ही कहां तक जीवित रहोगे, पहले तुम्हारा ही कल्याण कर दूं। को आ गए शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए, वीरों के तीरों से बादल छा गए, दिग दिगंत फिर एक बार थर्रा गए। शक्ति प्रहार जो अपने तन पे सह गया, मृत्यु निकट जाकर भी जीवित रह गया। सहज नहीं है उस योद्धा को मारना, किंतु नहीं वीरोचित हिम्मत हारना। Listen.
ये कैसे करे फिर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, उसका कोई भरोसा नहीं। जाने क्या चाल चल रहा हो, तुम सावधान रहो। पिताश्री, 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 इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यज्ञ विध्वंस करा दिया। विभीषण, विभीषण, फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचा कर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, इंद्रजीत, यह भाषा तुम बोल रहे हो या लक्ष्मण ने तुम पर कोई सम्मोहन अस्त्र चलाकर तुम्हारी मति को भ्रम में डाल दिया है, या लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर तुम युद्ध से भाग आए हो? क्षमा करे महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे, इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूं, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को, आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम की शरण में चले जाएं। वो मनुष्य नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है इंद्रजीत, जो इस प्रकार स्त्रियों की भांति अनर्गल प्रलाप करने लगे। यह वीरों की भाषा नहीं, तुमसे किसने कह दिया कि वह वनवासी छोकरे भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने। आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वो लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया, क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा था कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है, इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोक में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी।
परंतु यह सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलवाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म अस्त्र तेज हीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु वह लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का मोघ चक्र, जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है, उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके लौट आया। यह अंतिम प्रमाण था जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि यह नर नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। और तुम अपने पिता को यह प्रवचन देने आ गए कि हे पिता, जो तुमने तीनों लोकों में अपनी विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज उस यश को धूल में मिलाकर दो वनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जाओ। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपनी कीर्ति को धूल में मिला देता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वह कहेंगे कि मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। हाँ, उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो, तुम्हारा मन और शरीर दोनों थक गए हैं। जाओ, अपने महल में जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है और रावण इसे अकेला ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है, उसे अपमान और अपयश का नया मार्ग मत दिखाओ इंद्रजीत। क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए ही ये बात करने आया हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी अपयश ही मिलता है, इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोकों का राज्य भी प्रदान कर दे, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है, तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाएं। यदि वो नारायण भी है, तो वो भी मेरी विजय का ही रूप होगा। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए, तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई, वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए।
यही पर्याप्त हो। मायावी राक्षस की माया और न जग में व्याप्त हो, और न जग में व्याप्त हो। तू है वीर, वीर गति तुझको वीर के हाथों प्राप्त हो, वीर के हाथों प्राप्त हो। यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लक्ष्मण, तुम्हारी जय हो। विभीषण